नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस ऑर्डर सेल्स क्लासेस में। आज हम IBPS PO इस पोस्ट में क्या करियर अपॉर्चुनिटी से आपका ग्रोथ कैसे हो सकता है अगर आप एज अ PO किसी भी बैंक में काम कर रहे हो, और आपका सैलरी क्या हो सकता है इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो जो स्टूडेंट्स IBPS PO एग्जाम के लिए अपियर होना चाहते हैं, उनके मन में ये सवाल ज़रूर उठ सकता है कि व्हाट इज़ द करियर अपॉर्चुनिटीज एंड व्हाट इज़ द सैलरी स्ट्रक्चर ऑफ एन IBPS PO। तो आज का ये लेक्चर आप लोगों के लिए ही है। तो IBPS PO इस पोस्ट के लिए अगर कोई भी एस्पायरेंट सिलेक्ट होता है, तो पहले 1 से 2 साल उन्हें एक प्रोबेशन पीरियड पे रखा जाएगा, जो कि एक ट्रेनिंग पीरियड हो। तो इस ट्रेनिंग पीरियड में आपको बेसिक एंड एसेंशियल ड्यूटीज सिखाए जाएंगे इन योर रिस्पेक्टिव बैंक्स, और इसके बाद आपका एक स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, और उसके बाद आपका जो ग्रोथ है वो उसके ऊपर डिसाइडेड किया जाएगा, मतलब उसके ऊपर डिसाइड किया जाएगा। तो चलिए पहले जान लेते व्हाट आर दी सैलरी स्ट्रक्चर ऑफ एन IBPS PO। सो द बेसिक पे इज 23,700। एंड द स्पेशल अलाउेंस इज वर्थ ₹1,836.75, एंड विथ डी ए इज 10,163, एंड CCA इज 870। नाउ द ट्रांसपोर्टेशन अलाउेंस टोटल विदाउट HRA इट इज 36,570। HRA is 2133, and gross with HRA it is 38,703. Medical aid it is 8,000. For newspaper it is 500. For entertainment it is 300. For petrol it is 3,000. For telephone it is 400, and canteen subsidy is worth ₹400, and pension contribution is 2,500. So gross annual CTC with HRA but without leased accommodation it is 5,57,640. So it is a basic pay structure of an IBPS PO. ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि IBPS PO की डिफरेंट अलाउेंसेस क्या है। तो सबसे पहला है DA, मतलब डियरनेस अलाउेंस। तो इसमें आपको जो है 40% जो है बेसिक पे वो DA मिलेगा, मतलब द DA फॉर्म्स अराउंड 40% ऑफ द बेसिक पे। एंड इट इज टू बी नोटेड दैट सिंस DA डिपेंड्स अपॉन CPI, मतलब CPI के ऊपर जैसे ये DA डिपेंड करता है, मतलब कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के ऊपर DA डिपेंड करता है, इट कैन इंक्रीज और डिक्रीज बेस्ड ऑन द इन्फ्लेशन रेट्स। तो जैसे जैसे इन्फ्लेशन रेट्स चेंज होंगे, उसके मुताबिक DA भी चेंज होता रहेगा। नेक्स्ट वन इज HRA और हाउस रेंट अलाउेंस। द HRA कैन बी 9% 8% और 7% ऑफ द बेसिक पे। तो प्रोबेशनरी ऑफिसर्स को अपने बेसिक पे के 9% से 7% से 9% मिल सकता है HRA, बट इट इज बेस्ड ऑन वेदर दे आर पोस्टेड इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज, बिग सिटीज और एनी अदर लोकेशंस। नाउ स्पेशल अलाउेंस इज 7.75% ऑफ द बेसिक पे। सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउेंस इज टू लाइक द HRA, डिपेंड्स अपॉन द लोकेशन ऑफ द पोस्टिंग, एंड इट कैन बी 4, 3 और 0% ऑफ द बेसिक पे, बट इट डिपेंड ओनली ऑन द जॉब लोकेशन। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द अदर बेनिफिट्स एंड पार्क्स। तो IBPS PO इस पोस्ट के लिए आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिल सकते हैं, और सबसे ज़्यादा बेनिफिट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देती है,
और इसके अलावा भी बहुत सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं जिसमें अपने एम्प्लॉयज़ को वो अपने अपने तरीक़ों से डिफरेंट बेनिफिट्स एंड पर्क्स प्रोवाइड करती है। तो सबसे पहले लीज एकोमोडेशन, दिस सर्विस इज़ अवेलेबल टू बैंक ऑफिसर इंस्टेड ऑफ HRA। तो हाउस रेंट के मतलब एक इक्विवेलेंट चीज़ है लीज एकोमोडेशन जो बैंक ऑफिसर्स को मिलती है इंस्टेड ऑफ द HRA। इट ऑल्सो वेराइज फ्रॉम बैंक टू बैंक एंड डिपेंड्स ऑन अपन द प्लेस ऑफ पोस्टिंग। सम बैंक्स मे ऑफर ऑफिशियल बैंक एकोमोडेशन और बैंक क्वार्टर्स इंस्टेड ऑफ लीज हाउसिंग। तो ये डिपेंड करता है बैंक टू बैंक, और कोई कोई बैंक अपने क्वार्टर्स प्रोवाइड करते हैं इंस्टेड ऑफ लीज एकोमोडेशन। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रैवलिंग अलाउंस। मोस्ट ऑफ द बैंक्स गिव अ फिक्स्ड ट्रैवलिंग अलाउंस एंड रीइंबर्समेंट ऑफ पेट्रोल बिल्स, मेडिकल एड एंड अमाउंट ऑल्सो अटैच टू योर मेडिकल नीड्स। रिवाइज प्राइस इज 8,000 पर एनम। न्यूज़पेपर रीइंबर्समेंट, फिक्स्ड मंथली अमाउंट इज पे टूवर्ड्स द कॉस्ट ऑफ वन न्यूज़पेपर एंड कवरेज अंडर द न्यू पेंशन स्कीम इज ऑल्सो प्रोवाइडेड टू द IBPS PO ऑफिसर्स। और इसके अलावा भी कोई कोई बैंक एंटरटेनमेंट, टेलीफोन एंड कैंटीन सब्सिडी भी प्रोवाइड करती है डिपेंडिंग ऑन दी जॉब लोकेशन। अगर आप जानना चाहते हो कि क्यों हम एक PO के लिए ज्वाइन करें, मतलब व्हाट आर द करियर ऑप्शंस ऑफ अ बैंक PO, तो इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। एज अ बैंकिंग सेक्टर जॉब्स आर कंसिडर्ड वेरी प्रेस्टिजियस एंड एस्टीम्ड। एवरी वन इन 10% इन अवर कंट्री वुड लाइक टू गो टू द बैंकिंग जॉब। बैंकिंग एज अ करियर गिव्स मेनी अपॉर्चुनिटी फॉर एम्प्लॉयमेंट्स एंड प्रमोशन एज वेल। तो इसके लिए आपको अपने एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ तो प्रमोशन के भी बहुत चांसेस है, और उसके साथ जैसे कि आपका पे स्ट्रक्चर भी काफ़ी ज़्यादा है और काफ़ी हाई है। और इसके लिए हमारे देश में बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है बैंक PO बनना चाहते हैं। द बैंक PO इज सिलेक्टेड एज गुड करियर ऑप्शन बिकॉज इट हैज़ मेनी बेनिफिट्स सच एज जॉब अपॉर्चुनिटीज, चैलेंजिंग जॉब टास्क, एक्सीलेंट प्रमोशन पॉलिसीज। और बैंक PO से आप जनरल मैनेजर के पोस्ट में बहुत जल्दी ही प्रोमोटेड हो सकते हो अगर आप ठीक तरीके से, अच्छे तरीके से काम करते रहो तो। और इसके साथ सैलरी पैकेज तो अच्छा ही है ही, और यहाँ पर लीव पॉलिसीज भी काफ़ी अच्छा है। उसके साथ आपको हो सकता है कि आप अब्रॉड भी जा सको वर्क के लिए। मतलब ऐसे बहुत सारे बैंक्स होते हैं जिनका विदेशों में भी डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो वहाँ पर भी आपको भेजा जा सकता है। तो ये भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटीज है। एंड ऑल्सो यू विल गेट फ्री ट्रिप्स अक्रॉस आवर कंट्री। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द करियर एंड प्रोमोशंस। तो PO के बाद में जो आता है इट इज मिडिल मैनेजर, दैट इज मिडिल मैनेजर ग्रेड स्केल 2। आप ग्रेड स्केल 1 में रहते हो तो उसके बाद आपको मिडिल मैनेजर के पोस्ट के लिए प्रोमोट किया जाएगा, और इसके बाद आपको सीनियर मैनेजर के लिए प्रोमोट किया जा सकता है। इट इज़ दी मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 3। इसके बाद चीफ मैनेजर, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, डेप्यूटी जनरल मैनेजर एंड जनरल मैनेजर। जनरल मैनेजर है ग्रेड स्केल 7। और इसके बाद आप एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड द हाईएस्ट पोस्ट इज चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ अ बैंक। तो ऐसे आपका करियर ग्रोथ हो सकता है। तो पहले 2 साल तो प्रोबेशन पीरियड होता है जिसमें आपको ट्रेनिंग दिया जाता है और डिफरेंट जो वर्क है वो सिखाए जाते हैं इन योर रेस्पेक्टिव बैंक्स। एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ ट्रेनिंग पीरियड इन विच यू लर्न द फंडामेंटल्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क ऑफ अ बैंक ऑफिसर। आफ्टर कंप्लीटिंग यू विल सब्जेक्ट टू अ स्क्रीनिंग प्रोसेस। अकॉर्डिंग टू योर परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट विल बी गिवन प्लेसमेंट इन नेक्स्ट हायर लेवल ऑफ मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 2। एंड रेस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज हु नॉट परफॉर्म दे विल असाइन टू द जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1, दैट इज द PO पोस्ट। बैंक प्रोवाइड्स वास्ट अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ विद इन द बैंक एज वेल एज अपॉर्चुनिटीज फॉर पोस्टिंग अब्रॉड। द एंगेजिंग प्रमोशन पॉलिसी ऑफ द बैंक ऑफर्स अ चांस फॉर द ब्रिलियंट ऑफिसर्स टू सक्सेड इन द हाइएस्ट मैनेजमेंट ग्रेड इन शॉर्ट ड्यूरेशन।
तो पब्लिक सेक्टर बैंक में प्रमोशन पॉलिसीज क्या है, आइए इसके बारे में जान लेते हैं। परहैप्स योर परफॉर्मेंस प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन करियर प्रोग्रेशन, मोस्ट ऑफ द सीनियर ऑफिसर्स वेर स्टार्टिंग देयर करियर फ्रॉम स्केल वन। तो बहुत सारे ऐसे सीनियर ऑफिसर जो है हर कोई स्केल वन से ही शुरू करके वहाँ तक पहुँचे हैं, तो इसके लिए आपको अपने करियर को अगर ग्रो करना है और अच्छी तरह से अगर आप काम करते रहो तो आपका प्रमोशन कोई नहीं रोक पाएगा। एज आई सेड अर्लियर, हार्ड वर्किंग एंड नॉलेजेबल एम्प्लॉयज विल बी असाइन ऑन अ हाई स्केल इन शॉर्ट पीरियड। मोस्ट ऑफ द बैंक ऑफिसर रीच द पोजिशन ऑफ जनरल मैनेजर विद इन 14 ईयर्स। ओके, तो इट इज़ अ वेरी ग्रेट थिंग कि अगर आप एज अ पीओ से शुरू करके जनरल मैनेजर बन जाते हो विद इन 14 ईयर्स, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी आपके लिए। आफ्टर दैट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और चेयरमैन ऑफ अ बैंक, तो ये तो हाइएस्ट पोस्ट है इन योर रेस्पेक्टिव बैंक, दीज आर दी टॉप मोस्ट हाई स्केल पोजिशंस और इसमें सैलरी स्ट्रक्चर भी काफ़ी ज़्यादा है। और ऐसे कुछ पोस्ट होते हैं जो डायरेक्ट गवर्नमेंट डिसाइड करती है, तो ये काफ़ी प्रेस्टिजियस भी है और उसके साथ काफ़ी मतलब क्या बहुत प्रेस्टिजियस भी है और उसके साथ यहाँ पर गवर्नमेंट का भी एक इन्फ्लुएंस रहता है, तो आपको सम्मान भी बहुत मिल रहा है। इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स यू मे गेट अ चांस टू वर्क इन अब्रॉड ऑल्सो, मेनी ऑफ द बैंक्स हैव देयर ब्रांचेस आउट ऑफ आवर कंट्री। तो यहाँ पर हमने एक लिस्ट तैयार किया है जिसमें आपको सैलरी स्ट्रक्चर्स और डिफरेंट पोस्ट के लिए मतलब जो ग्रोथ आपका हो सकता है इन इन योर रेस्पेक्टिव बैंक, उसका एक प्रॉपर चार्ट हमने यहाँ पर बनाया है। तो सबसे पहला आता है पीओ, मतलब जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल वन। तो इसमें आपका जो बेसिक पे है इट इज़ 23,700 और इसके साथ अलावेंस जुड़ा हुआ है। फॉर मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड स्केल टू या फिर मैनेजर पोस्ट के लिए जो बेसिक पे है इट इज़ 31,705। फॉर मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड स्केल थ्री दैट इज सीनियर मैनेजर इट इज़ 42,020। फॉर सीनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल फोर दैट इज चीफ मैनेजर इट इज़ 50,030। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना ग्रो कर रहा है आपका सैलरी। सीनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल फाइव इट इज़ असिस्टेंट जनरल मैनेजर, यहाँ पर आपका जो बेसिक पे है इट इज़ 59,170। और इसके बाद टॉप मैनेजमेंट ग्रेड स्केल सिक्स डेप्यूटी जनरल मैनेजर, इसमें 68,680 इज द बेसिक पे। एंड टॉप मैनेजमेंट ग्रेड स्केल सेवन इट इज़ जनरल मैनेजर, तो इसमें आपका जो बेसिक पे है ये काफ़ी हाई है, इट इज़ 76,520। और इसके बाद ईडी या फिर आप अगर आप सीएमडी बन जाओ तो आपका जो सैलरी है वो का मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और अप्रोक्स 1.5 लाख आपका इनकम हो जाएगा, और सीएमडी अगर बन जाओ तो अप्रोक्स 2 लाख इज़ योर मंथली इनकम। एंड वी सॉर्ट ऑफ सर्स क्लासेस आर ऑलवेज देयर फॉर यू टू हेल्प यू इन क्रैकिंग योर ड्रीम जॉब्स इन बैंकिंग सेक्टर्स। स्पेशली डिजाइन स्टडी मटेरियल्स, एग्जाम स्पेसिफिक मॉक टेस्ट विद डिटेल्ड एनालिसिस, पर्सनलाइज मेंटरशिप सेशंस एंड डाउट क्लियरिंग सेशंस आर प्रोवाइडेड थ्रू अवर साइट, एंड वी विल ऑल्सो प्रोवाइड फ्री डेमो क्लासेस टू अवर न्यू स्टूडेंट्स टू मेक देम अंडरस्टैंड अवर पर्सनल अप्रोच इन क्रैकिंग द एग्जामिनेशंस। We will also provide 60 mock tests and 130 plus hour lectures are available from our renowned faculties. Flexible, we are flexible in both online and offline, and we will provide the recorded form of each and every class for the further assistance in your study. Solution of past year question papers together with scientific study plans are provided from our site. And information on all the upcoming exam notification are provided through our YouTube channel. To contact, you can mail us at sourasclasses@gmail.com or you can call us at 9836793076 or 9874822756. So, ye numbers and mail IDs aap note down kar lijiye, or you can check our website that is sourasclasses.com for your further for any further information. So I think all the students out there gain full clarification about the
जॉब प्रॉस्पेक्ट्स, करियर अपॉर्चुनिटीज, ग्रोथ एंड सैलरी स्ट्रक्चर ऑफ IBPS PO। तो इसके साथ आज का ये लेक्चर यहाँ पर ही ख़त्म होता है। आई थिंक नाउ वी कैन डन दिस लेक्चर। सो माई नेम इज़ अनपल एंड नाउ आई एम साइनिंग आउट। थैंक यू वेरी मच।